परिचय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, सिलाई मशीन की जो निडल होती है वो कभी कभी टेढ़ी हो जाती है और जब हम सिलाई करते हैं तो निडल टूट जाती है। सिलाई मशीन की जो ये निडल होती है उसकी जो पोजीशन है वो एकदम सेंटर में होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी निडल की पोजीशन सेंटर में ना होकर राइट या लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती है और फिर जब हम सिलाई करते हैं तो निडल हमेशा टूट जाती है। तो आज की वीडियो में मैं एकदम डिटेल में आपको समझाऊंगी कि जो सिलाई मशीन की निडल है उसकी पोजीशन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं एक एक स्टेप आपको समझाने वाली हूँ कि आपको कैसे इस निडल की पोजीशन को चेंज करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सिलाई मशीन का ये जो साइड का कवर है उसे देख रहे हैं, इसको हमें ओपन कर लेना है। इसके अंदर एक छोटा सा स्क्रू होता है, तो इसे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप ये जो छोटा सा स्क्रू देख रहे हैं, तो इस स्क्रू को जब मैं इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से प्रेस कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो निडल की पोजीशन है वो मूव हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं स्क्रू को छोड़ देती हूँ तो निडल वापस से अपने सेम पोजीशन में आ रही है। तो निडल को एक पर्टिकुलर प्लेस में सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस छोटे स्क्रू के आगे ये लॉन्ग स्क्रू दिख रहा है, इसको आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैंने इस स्क्रू को निकाल लिया है, तो इसे साइड में संभाल के रख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला स्क्रू देख रहे हैं, एक मिनट में पहले सिलाई मशीन को सीधा कर लेती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो ब्लैक स्क्रू है इसी से हम निडल की पोजीशन को चेंज करेंगे। तो ये जो ब्लैक स्क्रू है इसको ऑपरेट करने के पहले हमें ये जो छोटा वाला स्क्रू है इसको ओपन करना होगा। ओपन नहीं, थोड़ा सा लूज कर लेंगे, पूरा ओपन इसे नहीं करना है। तो जब साइड वाले स्क्रू को आप थोड़ा सा लूज करेंगे उसके बाद ये जो ब्लैक वाला स्क्रू है वो भी मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं ब्लैक स्क्रू को इधर उधर मूव कर रही हूँ वैसे ही निडल की जो पोजीशन है वो भी इधर उधर चेंज हो रही है। तो ब्लैक वाले स्क्रू को आपको इस तरह से मूव करते हुए निडल की पोजीशन को सेट कर लेना है। तो प्रेशर फुट के एकदम सेंटर में आप छोटा सा होल देख रहे हैं, एकदम उसी सेंटर में आपको निडल की पोजीशन को रखना है। और जब आप निडल को राइट पोजीशन में सेट कर लें उसके बाद ये जो छोटा वाला स्क्रू साइड में है उसे भी आप टाइट कर दें, इससे जो निडल है वो एक जगह सेट हो जाएगी और इधर उधर मूव नहीं होगी। निडल की पोजीशन एकदम सेंटर में हो चुकी है, तो अब इस साइड स्क्रू को भी हम टाइट कर देंगे और उसके बाद जो लॉन्ग वाला स्क्रू हमने निकाला था उसे भी अच्छे से टाइट कर देंगे। अब साइड का कवर भी जो हमने निकाला था उसे भी वापस से इसमें लगा देंगे। तो इस तरह से आप सिलाई मशीन की जो निडल है उसकी पोजीशन को आसानी से सेट कर सकते हैं और आपकी जो निडल है वो कभी नहीं टूटेगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।